दुश्मने मुस्तफा से ये कह दो, हर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, हर कोई भी हमसे जीता नहीं। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। और कैसे थे? कौन जी? मैं इंसान अली बोल रहा हूँ। इंसान अली जी? जी जी जी, आवाज कम आ रही है आपकी बहुत। नहीं नहीं जी, मैं इंसान अली बोल रहा हूँ, अभी आई आवाज आपको? हाँ थोड़ा बेहतर है शायद, आप स्पीकर पे ईयरफोन पे बात करें शायद। नहीं नहीं, ईयरफोन पे नहीं बात कर रहा था, मैं कान पे ही लगाता हूँ, छोटा सा फोन है, एंड्रॉइड फोन नहीं इस्तेमाल कर रहा। जी जी वो जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये ऊस वगैरह जो मनाते हैं साल में एक बार, इसके बारे में क्या मतलब है, इंदशरा क्या है इसके बारे में? अगर ये बात ऊस मनाने की अगर इस्लाम का तरीका होता, शरीयत होती, तो ये चीजें हदीसों में भर जाती, मतलब बेहिसाब हदीसें मिलते आपको, जबकि ऐसी कोई चीज मिलती नहीं कुरान में सिवाय अल्लाह की तौहीद के। ज्यादा जितना आप देखो अल्लाह की तौहीद का ही उसके अंदर बयान है, अल्लाह की तौहीद, एक अल्लाह की तरफ दावत, जितने पैगंबर दिए यही मिलेगा आपको, जितने सूरे पढ़ लो आप, काफिरों के बारे में, मुशरिकों के बारे में, जो भी मतलब उस जमाने में गुजरे हैं, उससे पहले के जमाने में जो अंबिया गुजरे हैं, उनकी कौम, यानी जो भी उनकी दावत थी बस वही थी कि अल्लाह की तरफ उनकी दावत थी। तो जब अल्लाह की तरफ दावत है तो फिर ये उरूस के बारे में, इसके बारे में तो कोई अगर हदीसों में होता ना तो एक दो हदीस में, कई हदीसें जैसे सफ़ेदन की 200 से ज्यादा हदीसें हैं, नमाज के तरीके पर है, शरीयत के बारे में है, तो अगर ऐसी अगर बात होती तो अहदीस में इसका जखीरा मिलता, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता इसमें अहदीस में। नहीं नहीं देखिए, मैं ये कह रहा था कि हदीस मुबारक हो या कलाम इलाही हो, अगर इन दोनों में कोई चीज अगर ना मिले तो मतलब वो जायज ही नहीं होगा, ये कहने का मतलब। जायज ना जाए उसकी बात की बात है, वो चीज इस्लाम का या शरीयत का हिस्सा मानना बोले तो फिर आपको साबित करना पड़ेगा ना, ये शरीयत का हिस्सा है या इस्लाम है, इसमें इतना सवाल मिलता है, ये करना जरूरी है, कयामत में अल्लाह सुबहान तआला आपको पूछेगा, सवाल करेगा ये काम क्यों किया, यानी जो चीज होती है उसके बारे में तो मतलब ये सब बातें होती है ना, तो अगर ये चीज जरूरी होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बता के जाते, वो तरीका राइज हो जाता उस जमाने से लेके आज तक हर जगह जो है ये पाया जाता। आप इसमें मैं फिर वही अपनी बात पे आ रहा हूँ, जैसे आपकी बातों से ये सवाल उठता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा को बता के नहीं गए या फिर जो तरीका आपने नहीं किया, वो अगर मतलब उसको छोड़कर बाकी और जो है अभी जो इस दौर में चल रहे हैं वो सब गलत है आपके नजदीक? मैं ये कह रहा हूँ नहीं, बिल्कुल गलत है। अल्लाह फरमाता है कुरान में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे मत बनना, यानी हमको इजाजत नहीं है कि नबी ने बताया उसके आगे हम बढ़ के अपनी तरफ से कुछ शरीयत करें, यही अमल करके जो है ना जितनी पहले की कौमें थी गर्क हो गई। नहीं नहीं, जैसे कि अभी आपने कहा कि हाँ बिल्कुल गलत है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हालात जिंदगी है और भी बहुत सारे साहब इकराम है उनकी भी जो हालात जिंदगी है, तो उनकी जिंदगी में बहुत सी सारी चीजें थी तो जो नहीं थी, और बहुत और आज का जो दौर है बहुत सी सारी चीजें हैं जो हैं। जी जी जी, मैं समझ गया, दुनियावी चीजों से आप जो मिलाते हैं ये तो लॉजिकली कोई भी बच्चा भी समझ जाएगा कि अगर कोई चीज शरीयत समझ के हम करते हैं तो उसका सवाब होता है, अल्लाह सुबहान तआला उसका उसको पकड़ेगा, उसका एक मतलब अजर होता है, एक साल अल्लाह सुबहान तआला की तरफ से कोई अल्लाह सुबहान तआला पकड़ेगा, यानी इस तरीके से शरीयत होती है ना। जैसे आजकल में जाते हैं नमाज पढ़ते हैं भाई, उससे जो है कुरान, ये कई सवाल उठते हैं जैसा माइक में अजान है, ये है वो है, तो हम यही कहेंगे कि सहूलत है, ये दुनिया ही सहूलत है, इसके अंदर कोई हम ये नहीं कहते कि माइक में अजान दे दिए तो भाई इसमें हमारा अजर जो है बढ़ जाएगा या इसका सवाब बढ़ जाएगा, तो सवाल ही नहीं उठता ना, ये एक सहूलत है। सहूलत अगर सहूलत आ जाए, जैसे सहूलत अगर आ जाए मार्केट में तो हम नमाज भी जो है सहूलत के हिसाब से पढ़ने लगेंगे, यानी मशीन पे पढ़ने लगेंगे, नबी करीम सल्लम का तरीका ही छोड़ देंगे, सहाबा का तरीका ही छोड़ देंगे? सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं, कौन सा तरीका छोड़ दिए जरा बताइए ना, बाकी हमारे लिए आपका जो इस्तेदलाल है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है ना, हम
आपने कहा सहूलत है, मैक में अजान देना मेरी बात, मैक में अजान देना आपने कहा सहूलत है, है ना, सहाबा का तरीका और नबी करीम वसल्लम का तरीका नहीं था ये। अगर उस जमाने में अगर इलेक्ट्रिसिटी होती, उस जमाने में अगर ये चीजें उस टाइम पे माउस मतलब उनको मिल जाती, अगर वो फिर भी ना देते तो हमारे लिए मना होता, यानी अगर वो जमाने में मौजूद होती और वो ना करते। लेकिन अगर कोई शरीयत अगर आप कहेंगे मतलब वो जमाने में, जैसे ये सब चीजें देखिए उस जमाने में हो सकती थी, मजार बनाना जमाने में तो कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है ना, जैसे बताइए मुझे एक बकौल आपके और आपके इस्तेदलाल के मुताबिक मैं मान लूं कि अगर इस जमाने में नमाज पढ़ने वाली मशीन अगर आ जाए तो हम उस पर नमाज पढ़ सकते हैं। क्या बोले आप? इस जमाने में अगर नमाज पढ़ने वाली कोई मशीन आ जाए जिससे रुकू और सुजू ना करना पड़े या आसानी हो जाए तो हम मशीन पे नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, मशीन में नहीं पढ़ सकती, क्योंकि जमाने में मैक नहीं था, अब आ गया तो सहूलत के हिसाब से अजान दे रहे हैं मैक। नमाज के ताल्लुक से मैं सहूलत बताऊंगा, ये सहूलत अगर आपको मिल रही है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मशीन को आप कह दें भाई तू नमाज पढ़ ले मेरी नमाज अदा हो जाएगी, ये तो ना सवाल ही नहीं होता। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर कोई आदमी खड़े होकर, सुनिए, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, बैठ के पढ़े, बैठ के नहीं पढ़ सकता, लेट के पढ़े, लेट के नहीं पढ़ सकता, इशारतन पढ़े, ये जब सहूलत है नबी को इस्तेलाल जो है आपका यही बता रहा था, हालांकि इसकी वजह हो चुकी है कि आप इस्तेमाल कर रहे हो, इस इस्तेलाल में बहुत सारी जाएंगे तो मशीन तो आ जाए क्यों नहीं आ जाए, उससे तो कुछ भी हल नहीं होता। हाँ मशीन अगर सुनिए, मशीन का फायदा क्या है बता दूंगा, जैसा मैं डॉक्टर मैं डॉक्टर हूँ, एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, अगर कोई मान लीजिए किसी की घुटने में दर्द है, तकलीफ है, वो आदमी जो है वो तकलीफ में है, वो घुटने में जो है उसका जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं है, उसका तो तरीका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम आप बता के गए कि भाई आप अगर बीमार हैं, बैठने की ताकत नहीं है तो लेट के पढ़िए, आपको इशारे से पढ़िए, लेकिन अगर आपको खड़े होने की ताकत नहीं है तो बैठ कर पढ़िए, आपको इशारे से पढ़िए, तो ये सब तो आप बता के गए, लेकिन आपका जो इस्तेदलाल था कि भाई सहूलत आ जाए तो हम बैग में ध्यान देंगे, उस वक्त नहीं था इसलिए अब आया है तो अब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस वक्त नमाज पढ़ने की मशीन भी नहीं थी, अब अगर आ जाए तो बकौल आपके और बकौल आपके लाल के फिर ये मशीन से भी नमाज पढ़ना शुरू कर रहे, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि इस्तेमाल आप ऐसा करें कि आगे चल के पकड़ ना हो आपकी। हाँ बिल्कुल, सुनिए अगर गलत कब होता, हमारी बात शुरू हुई थी माइक में देगा तो ही वो आप डॉक्टर हैं जी? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? आपसे आपका आवाज जाना पहचाना लग रहा है मुझे। मेरा नाम डॉक्टर एम के खान है। एम के खान तो शायद आप मुझे जानते होंगे। नहीं, इससे पहले एक मरतबा, शायद ही मरतबा या दो मरतबा, बहुत साल पहले बातचीत की है। चलिए ठीक है, हमारी बात शुरुआत हुई थी खान साहब, हमारी बात शुरुआत हुई थी मनाने के लिए, मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? ताजु साहब सलाम, पीएमए वाला बरेली ईसान अली साहब सलाम कर रहे हैं आपके आपके नजदीक जो है दूसरों को सलाम, मतलब जो आपके हिसाब से जो अकायद गलत रखते हैं आपके हिसाब से उनको तो सलाम नहीं करना चाहिए, मैं परेशान हो जा रहे हैं, ईसान अली साहब सलाम कर रहे हैं, क्या बात है, हम तो जवाब देंगे इंशाल्लाह जी। खैर वो जो है वो अलग चीज है, मैं ये कह रहा था कि आप उर्स का जो तरीका है जी, हमारी बात हुई थी उर्स मनाने का तरीका, उर्स मनाना चाहिए या नहीं चाहिए, हमारी आपकी बात सालों से हो रही है और बहुत मजीद बात हुई है, काफी देर तक बात हुई है, कई मसले पे बात हो चुकी है, बहुत सारे बार बहुत कई बार बात हुई, तो उर्स जो मनाने का तरीका है अगर आपके नजदीक नाजायज व हराम है तो आपको उसकी एक दलील दे दें, लेकिन नाजायज व हराम होने की दलील याद रखें नस्से कतई होनी चाहिए। अच्छा, आप अगर किसी चीज को हराम या नाजायज साबित कर रहे हो तो नस्से कतई होनी चाहिए। दो दलीलें दूंगा मैं आप सुनिए, ये कुरान से दूंगा एक हदीस से दूंगा मैं जी। कुरान अल्लाह सुभान अल्लाह फरमाता है, मैं आपको इससे पहले भी बोल चुका हूँ, गालिबन सूरह हुजरात की आयत है ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे ना बढ़ो, पहली बात ये नबी जो बताए तरीका उससे आगे ना बढ़ो, पहली बात। दूसरी बात यह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मशहूर हदीस है कि कुल्लू बिदअतिन ज़लालाह कुल्लू ज़लालतिन फिन्नार, यानी जो भी बिदअतें हैं सब ये जो है गुमराही है और गुमराही आग में जाए मतलब लेकर जाएगी फिन्नार।
तो ये बहुत हदीस फेमस है कि जो भी गुमराही है वो आदमी लेकर जाएगी, जितनी बिदतें हैं आप तो हमारे हिसाब से जो चीज साबित नहीं है तो एक नई चीज बनाना, जबकि अल्लाह ना अल्लाह सुबहाना तला ना पूछेगा उसके बारे में, ना उसके बारे में कोई हदीस है ना जिक्र है, तो ये चीजें मैं समझता हूँ कि ये खतरनाक है, बचना चाहिए। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, दो मिनट का ज्यादा नहीं लूंगा आपका वक्त। मेरे एक साले साहब हैं जो बरेली हैं, अभी भी बरेली हैं, तो उनसे मेरी बात हुई थी सूरह ये फातिहा दिलाने के बारे में। तो मैंने उनसे एक ही सवाल किया, भाई मुझे आप एक बताइए, मैं फातिहा नहीं दिलाता, आप दिलाने वाले हैं, ठीक है, कयामत में आप भी खड़े होंगे, मैं भी खड़ा होंगे, अल्लाह मुझे पूछेगा क्या खाया फातिहा क्यों नहीं दिलाए? उन्होंने बोले नहीं, बिल्कुल वो आदमी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बोला नहीं नहीं पूछेगा अल्लाह, क्योंकि एक चीज फर्ज में नहीं है ना वाजिब में ना सुन्नत में। तो बोला अच्छी बात है, अगर आप दिलाए, आप दिलाते हैं, अगर आप दिलाए, अगर अल्लाह सुबहाना तआला ने आपको पकड़ लिया कि ये बिदअत है, कहाँ जाएंगे आप तीन बार, तो कौन ज्यादा रिस्क है, ज्यादा रिस्क किस पे है? तो बोले हम बिल्कुल मेरे पे, खैर वो रिस्क लेने तैयार है। तो ये बात ये है कि अगर जो चीज साबित नहीं है, जितना अल्लाह बोला जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए उतना काम करो, इससे आगे क्यों मरना, रिस्क क्यों लेना? खान साहब जी बोलिए। अब मैं आपको बताता हूँ, अवलन ये कि मैंने आपसे कहा था कि देखिए बिदअत हो या नाजायज हो या हराम, उसको साबित करने के लिए आपको नस्ले कतई देनी होगी, आपने नस्ले कतई नहीं दिया। अल्लाह वालम आपको नस्ले कतई की तारीफ पता है या नहीं पता, या पता होने के बाद भी आपने जो आपको दलीलें दी हैं उसमें शराहत मौजूद नहीं है। दूसरा ये आपको सुनिए मेरी बात, ठीक है। दूसरा ये कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, सही इब्न खुज़ैमा की हदीस है, नसीरुद्दीन अल्बानी साहब ने उसे सही भी कहा है और गालिबन सही मुस्लिम में भी है ना, कि जो मेरे दीन में अच्छा तरीका राइज किया उसे सवाब मिलेगा, उस पर अमल करने वाले को भी सवाब मिलेगा, और तब तक राइज करने वाले को तब तक सवाब मिलेगा जब तक लोग उस पर अमल करते रहेंगे, और जो मेरे दीन में बुरा तरीका राइज किया उस पर जो है गुनाह मिलेगा, और उस पर अमल करने वाले को भी गुनाह मिलेगा, और निकालने वाले को गुनाह तब तक मिलेगा जब तक लोग उस पर अमल करते रहेंगे। तो यहाँ तरीका तो दो हो गया, एक अच्छा और बुरा। अब आप मुतलकन तौर पर जो है उल्लू बेदकिन दलाला एक ही लगा, वो मुतलक तौर पर हद भी नहीं कायम किए। तो अब मुझे बताएं आपको, आप बोलिए इंशाल्लाह, आपको मैं आपको इसी पर बात करूंगा इंशाल्लाह, बोलिए बोलिए। हाँ तो सुनिए मेरी बात, तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद ग्रामी के मुताबिक ही जो तरीका होता है यानी बिदात, वो दो तरह की हो गई, एक अच्छी और एक बुरी, ठीक है। और आपने बिना हुदूद कायम हुए किए आपने जो है कुल्लू बिदअतिन दलाला का जो है रिवायत सुना दिया और देखो ये हराम है, और उसके ऊपर आपने कयास कर लिया, हालांकि मेरा मुतालबा नस्ले कतई था, सराहत के साथ था जी, और आपने उसमें कयास करके उर्स को आपने कहा कि ये बिदात हो गया। बिदात उसको कहते हैं, बिदात आप मतलब क्या है आप शायद समझे नहीं या समझ के नहीं समझ पा रहे हैं जी। आप बोलिए तो मैं बोलता हूँ, आप मुझे नस्ले कतई और सराहत के साथ दलील दीजिए, चलिए बताइए, बोलिए। ठीक है, मैं डिस्टर्ब, आप डिस्टर्ब मत करिए। देखिए जहां तक बात रही आपकी जो हदीस पेश की मुस्लिम शरीफ की, अगर कोई नया मतलब अच्छा तरीका, या नया तरीका नहीं है इसका, तो अच्छा तरीका है यानी जो अच्छा तरीका निकालेगा इस मामले में, मतलब जो चीज अच्छी होगी तो उसके लिए उसको जब तक वो मतलब चलता रहेगा उस पर अमन भी लगेगा, उसको साथ मिलेगा, ठीक है, ये बात आपने कही ना। तो चलिए इसकी अगर समझना चाहें तो ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के दौर में ले लेंगे इंशाल्लाह, एक एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि क्या चीज है, उसके बाद मैं अपने दौर का एक एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद आपका जो अमल है उसको मैं रद्द करूंगा इंशाल्लाह। तो पहला जो एग्जाम्पल दूंगा मैं वो है तरावी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तरावी जमात के साथ तीन दिन या दो दिन जो भी अदा की गई जमात, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्जियत के डर से उसको रोक दी। अब जब रुक गई लेकिन जो सब लोग जो है अपने अपने घरों में पढ़ रहे थे, लेकिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने उसको बाजमात फिर से शुरू कर दिया और कहा कितनी अच्छी बिदत है ये, क्योंकि बिदत नहीं है, बिदत हम उसको बोलते हैं जो चीज नहीं हो, लेकिन हालांकि यहाँ पर बिदत इसलिए कहा गया कि वो चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बंद हो गई थी, इन्होंने उसको राइट की चालू की फिर से स्टार्ट करना, ये चीज जो है ना उसके अंदर नई चीज नहीं थी, कौन सी नई चीज नहीं थी। बाद जमात उस वक्त दो तीन दिन हुई थी, इन्होंने जमात पर साइन कर दी, उसके बाद जो इस चीज को उन्होंने कहा बहुत अच्छी हस्मा बिदत है। किसने चालू किया, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने? हाँ, बाद जमात की बात कर रहा हूँ,
तो ये होगी बात। अब दो मिनट लूंगा आपका। नूरी नबी बिन सल्लम ने बंद कर दिया था, बाद में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने शुरुआत कर दी और कहा बहुत अच्छा तरीका या बिदअत जो भी है, आप ये बात मान रहे हैं ना? जी बिल्कुल। हाँ तो फिर आप भी प्रकाश क्यों नहीं पढ़ते? बहरहाल इससे हमारी बात नहीं हो रही है, मैं खाली आपको बता रहा हूँ। चलिए इंशाल्लाह कभी और बात कर लेंगे इस प्रकाश के बारे में। अभी इंशाल्लाह उसकी बात। अब आप एक तरफ तो खुद मान रहे हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने राइट शुरुआत की, और एक तरफ आप आठ रकात वाली रिवायत पे आठ रकात तरावी के ऊपर अटके पड़े हैं। नफिल की नमाज की नजरिए यहाँ पर हमें एग्जाम्पल देने की बात, यहाँ पे एक तो साबित हो गया कि वाकई ये बात सही है कि अहले हदीस हजरात जो कहते हैं वो करते हैं। भाई आप ठीक है, अब आप यहाँ से आगे बढ़िए, मैं चुप होता हूँ, आप आगे बढ़िए। किसी देर के लिए रुक जाएगी इंशाल्लाह, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब एग्जाम्पल में आपको दिया कि जो चीज रुक गई थी ऐसी नहीं थी, नई चीज उसके अंदर मतलब इसमें शामिल की गई। तो जो चीज रुक गई थी फर्जियत के नाते, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जो बात बोल देती है वो फर्ज हो जाती, क्योंकि अल्लाह की तरफ से होती, तो वो चीज अब डर नहीं था, क्योंकि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में वो चीज का डर खत्म हो चुका था, फर्जियत का डर खत्म हो चुका था, तो वो चीज राइज कर दी गई। अब बात रही चली अब इस जमाने में क्या है, इस जमाने में वही से माइक में अजान नहीं, अजान तो वही होती थी लेकिन माइक का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि लोगों तक दूर दूर तक पहुंचा सके, यानी इसके अंदर एक सहूलत देगी। हालांकि इसके अंदर कोई नई चीज दाखिल नहीं है, अजान के कलीमात वही है, अजान का तरीका वही है, बस एक चीज है, एक मशीन का इस्तेमाल किया ताकि लोगों तक बात पहुंचाई जाए। ये अच्छा तरीका है, इसके अंदर जब तक इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे, आप जो मुस्लिम शरीफ की हदीस बताए ये हदीस का एग्जाम्पल बेहतरीन एग्जाम्पल है, अगर कोई इस तरीके से ही करेगा उसको इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि उसको अजर ज्यादा मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि एक ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जिससे इस्लाम का जो है इसके अंदर फायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा फायदा हो रहा है। अब बात रही चलिए आपकी, ये मतलब ये जो बोलते हैं आपकी इसके अंदर जो है आप खती मतलब जलाला नहीं दिए वो नहीं दिए, तो मैं बताता हूँ आपको, आप अगर आप एक चीज बता रहे हैं एक अमल बता रहे हैं और आप हमसे पूछ रहे हैं भाई इसको आप मना कहाँ लिख के साबित करो, बोले तो सर नहीं आता, जो चीज साबित है उसको आपको बताना है पहले, मना साबित नहीं होता, क्योंकि मना के लिए जो चीज नहीं है वो कहाँ साबित करेंगे, कोई भी मना तो साबित नहीं होता। हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बता कर गए वो तरीके के हिसाब से अगर आप बता रहे हैं तो बताइए उस मतलब ये उस कहाँ पर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बात से बनाए, तो ये चीज जो है आप क्या तरीका इस्तेमाल करें। अब आप इसमें क्या बोल रहे हैं वो हदीस से जोड़ रहे हैं, हाँ एक दोनों बोल दूंगा मैं, इस बात बोलिए आप तो मुस्लिम शरीफ की हदीस आपसे जोड़ के ये साबित करना चाहते हैं जो भाई हम जो उर्स कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तो आपको मैं पूछ रहा हूँ 1400 साल के बाद या 1200 साल के बाद या 1000 साल के बाद लोगों को याद आया कि भाई ये तरीका अच्छा है करो चलो इसके ऊपर करो, न साहबा मन किए न ताबाई न तबे ताबाई, और उल्टा जो है ना इसे मना इसलिए किया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अब मैं आ रहा हूँ आपका जो बोलते हैं ना आप खती दलाला जो भी बोलते हैं मेरे उर्दू से साफ नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मैं हदीस नंबर इसलिए नंबर नहीं जानता हूँ इसलिए मैं किताब का नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन हदीस मेरे को मालूम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि मेरी खबर पर जो है मेला लगाना जानते हो ना उरूस, तो वो बोले कि नबियों की जितने पहले की अंबिया गुजरे हैं मतलब उनकी खबरों पर मेला लगा, तो मेला लगने का मतलब ये है कि ये उरूस, तो मुझे डर है आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ फरमा रहे थे कि मुझे डर है कि कहीं मेरे खबर मुबारक पर भी जो है मेला ना लगे। तो ये हदीस इंशाल्लाह मिल गई तो मैं आपको देता हूँ, बहुत फेमस हदीस है, तो इससे बिल्कुल वाजे होता है कि मेला वगैरह जो खबर पे लगाते हैं जब अंबिया की खबर पे ही लगाना मना है तो दूसरों की तो सोचना बिल्कुल गलत है। अब आप बोलिए। हाँ देखिए मैं ये कहूंगा आपसे, बोलिए डॉक्टर एम के खान साहब, मेरा मुतालबा वहीं का वहीं पड़ा रह गया और आप तरावी से लेकर और रसूलिया दैन से लेकर और पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के चले आए, और मेरा मुतालबा नशे कतई का था और वहीं का वहीं पड़ा रह गया, आपने उसे टच भी नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने कहा मेरे कब्र पे मेला लगाना लोग लगाएंगे मना है वगैरह, आपने हदीस मुबारक बताई, इस हदीस मुबारक ये जो है अगर इससे भी हम इस्तेमाल करते हैं तो मदीना मुनव्वरा में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजार रोजे मुबारक के इर्द गिर्द एक नहीं दो नहीं बल्कि करोड़ों पब्लिक रहती है। हाँ उसकी वजह है फिर आप यहाँ पे आपका जो है लाल जो है फिर यहाँ पे जो है मामला जो है अगर रिकॉर्ड आगे बढ़ा रहा है और हमारे जमाती अहले हदीस को लाके कटघरे में खड़ा कर रहा है। अब आप लाल से हम अगर मान लेते हैं तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोजे अकदस है वहाँ पे एक नहीं दो नहीं करोड़ों पब्लिक रहती है और एक दिन दो दिन नहीं रहती है
हमेशा रहती है, हज के दौरान हमेशा नमाज पढ़ी जाती है वहाँ पे, उस एक दिन ही नहीं बनता ना प्रॉब्लम ये। तो अब मेला लगाने से मुराद आपका क्या है ये मुझे बताएं। और आपने कहा कि सुनो आपने हदीस को पढ़ दी मेला वाला, लेकिन खुद मैंने बताया आपको बारहा की वहाँ रहती है, उसके बाद आप और आगे चले जाएं जो है और जो है मुहद्दसीन है जैसे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हुए और हुए कब्र उनकी सब खैर चलिए वहाँ पे तो लोग ज्यारत के नियत से जाते हैं है ना, तो उसी तरह उसमें भी लोग जाते हैं ठीक है, जिस तरह वहाँ पे लोग जाते हैं मदीने मनवरा में जाते हैं, वो तो इमामुल अंबिया है, उनके रोजे अनवर की ज्यारत करना हर मुसलमान के लिए जो है बच्चे निजात का जरिया है ठीक है, और उनपे अच्छा, उनकी कहाँ पे है कौन सी हदीस में ये क्या अंबिया है अलिया की ज्यारत सुन रहा उनकी मतलब मजारत लगाना ये तो कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ कि अहले हदीस जो है हदीस पढ़ता है मगर समझता नहीं है। मैंने सल्लम के रोजे अनवर की जियारत करना यानी कि बच्चे निजात का जरिया है, क्योंकि आपने फरमाया कि जिसने मेरे जो है कब्र की जियारत की उससे मेरी सफात वाजिब हो गई, अब समझे। अच्छा ये कहाँ पर है इधर हदीस नंबर पेश कर दीजिए मुझे, मेरे इल्म में इजाफा होगा। नहीं सर बेफिक्र मैं अभी नहीं पूछ रहा, आप पेश कर दीजिए। मुझे हंसी आ गई आपका इल्मी मियार देख कर की इतनी मशहूर हदीस और आपको अभी तक पता नहीं चला कि ये हदीस कहाँ, इसका मतलब आपको अहले हदीस हजरात ने काफी घुमा फिरा के और काफी कंफ्यूज करके और अपनी झूठ जो है झूठ की जो उनकी हवा है उसमें काफी घुमा करके रखे हैं आपको। बहरहाल हदीस मुबारक आप कहीं पे भी पूछ लेना अपने शेख से या किसी आलिम से, आपको मिल जाएगी मुत्तफिका अल हदीस है ठीक है, सही हदीस है। अब आते हैं हम बात कुर्स के ऊपर। हेलो